हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको LIC पेंशन प्लान्स के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको LIC पेंशन प्लान्स कौन कौन सी हैं, इनके फीचर्स क्या क्या हैं, इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इनकी प्रीमियम कितनी होती है, इससे जुड़ी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम बिना देरी के शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको LIC पेंशन प्लान्स के बारे में बताने वाला हूं। इन पेंशन प्लान्स में मैं आपको LIC प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, LIC जीवन अक्षय प्लान, LIC न्यू जीवन शांति प्लान और LIC जीवन सरल पेंशन प्लान के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों पहले हम बात करते हैं LIC प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की। दोस्तों ये एक भारत सरकार के द्वारा सब्सिडाइज्ड पेंशन प्लान है, यानी कि ये एक अनुदानित पेंशन प्लान है। दोस्तों ये प्लान केवल LIC ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेट किया जाता है और ये काफ़ी कम प्रीमियम पर आपको अवेलेबल होती है। दोस्तों इस प्लान में एंट्री एज की बात करें तो ये मिनिमम एंट्री एज 60 साल है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों ये पॉलिसी 10 साल की पॉलिसी टर्म के साथ आती है और इस प्लान में मिनिमम पेंशन की बात करें तो ये 1000 रुपये पर मंथ है, 3000 रुपये पर क्वार्टर है, 6000 रुपये पर हाफ ईयर है और 12000 रुपये पर ईयर है। और दोस्तों इस प्लान में मैक्सिमम पेंशन की बात करें तो आप 9250 रुपये पर मंथ, 27750 रुपये पर क्वार्टर, 55500 पर हाफ ईयर या फिर 1,11,000 पर ईयर आप पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगला पेंशन प्लान है LIC जीवन अक्षय प्लान। दोस्तों इस प्लान में आपको लाइफ कवर और पेंशन प्लान का डबल बेनिफिट आपको प्राप्त होता है। दोस्तों ये प्लान आपको 10 प्लान ऑप्शंस में उपलब्ध होता है। इस प्लान में आपको लोन लेने की भी सुविधा प्राप्त होती है। दोस्तों LIC जीवन अक्षय प्लान में एज एट एंट्री की बात करें तो इसमें मिनिमम एज एट एंट्री 30 ईयर्स है, यानी कि 30 साल है, और इसमें मैक्सिमम एज एट एंट्री की बात करें तो ये 85 साल है। इस प्लान की परचेज़ प्राइस की बात करें तो मिनिमम परचेज़ प्राइस 1,00,000 रुपये है और मैक्सिमम परचेज़ प्राइस की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों अगला LIC प्लान है LIC न्यू जीवन शांति प्लान। दोस्तों इस प्लान में आपको पेंशन प्लान के साथ लाइफ कवर का भी बेनिफिट प्राप्त होता है। ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, यानी कि आपको एक ही बार प्रीमियम पेमेंट करना होता है। दोस्तों ये प्लान आपको दो एन्यूटी ऑप्शंस में मिलते हैं। ऑप्शन वन है डिफर्ड एन्यूटी फॉर सिंगल लाइफ और दूसरा प्लान है ऑप्शन टू है डिफर्ड एन्यूटी फॉर जॉइंट लाइफ। इस प्लान में एज एट एंट्री की बात करें तो मिनिमम एज एट एंट्री 30 साल है और मैक्सिमम 79 ईयर्स है, यानी कि 79 साल है। दोस्तों इस प्लान में वेस्टिंग एज की बात करें तो ये मिनिमम 31 साल है और मैक्सिमम 80 साल है। इस प्लान में डिफरमेंट पीरियड की बात करें तो मिनिमम डिफरमेंट पीरियड 1 साल है और मैक्सिमम 12 साल है। इस प्लान में परचेज़ प्राइस की बात करें तो मिनिमम परचेज़ प्राइस 1,50,000 रुपये है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों अगला पेंशन प्लान है LIC सरल पेंशन प्लान। ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI के डायरेक्शंस के अनुसार एक स्टैंडर्ड इमीडिएट एन्यूटी प्लान है जो सभी इंश्योरेंस होल्डर्स के लिए समान नियम और शर्तें प्रदान करती है। दोस्तों ये प्लान आपको दो एन्यूटी ऑप्शंस में उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन वन है लाइफ एन्यूटी विथ रिटर्न ऑफ 100% ऑफ परचेज प्राइस, इसमें आपको परचेज प्राइस का 100% रिटर्न किया जाता है। वहीं ऑप्शन टू है जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर एन्यूटी विथ रिटर्न ऑफ 100% ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर, यानी कि यहाँ पर जॉइंट लाइफ के केस में लास्ट सर्वाइवर के डेथ होने पर आपके द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति को 100% परचेज प्राइस का 100% रिटर्न किया जाता है। दोस्तों इस प्लान में एज एट एंट्री की बात करें तो ये मिनिमम 40 साल है और मैक्सिमम 80 साल है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को LIC पेंशन प्लान्स कौन कौन सी हैं और इनकी फ़ीचर्स क्या क्या हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इन पॉलिसीज़ की प्रीमियम कितनी होती है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में दिया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।